चलो गुड मॉर्निंग बेटा। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बातें की थी ट्रांसक्रिप्शन के शुरू करने की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है क्या नहीं होता, हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जाना था। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का सिंपल सा मतलब था कि द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, वो था ट्रांसक्रिप्शन। वहाँ पे तीन तरह के आरएनए बनते हैं, या तो एमआरएनए बनेंगे, फिर आरएनए बनेगा, या फिर टीआरएनए बनेगा। वहाँ पे अपने ये भी जान लिया था कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है। बट अब एक डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है तो कौन सी स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होगी और कौन सी यहाँ पे टेम्पलेट होगी, ये डिसाइड किस भाग पे होगा। तो आज के लेक्चर में हमें इस बात को समझना है। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ बेटा जी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसको डिफाइन करने के लिए हम तीन चीजों की बातें करेंगे। चलेगा, टॉपिक को शुरू करते हैं। आपने कहा सर एक डीएनए जो है उसके एंड का नाम है फाइव एंड, एक है बेटा थ्री एंड। एक का नाम है थ्री एंड, एक का नाम है फाइव एंड। एज यू ऑल नो डीएनए डबल स्टैंड होता है और ये आपका दोनों स्टैंड यहाँ पे एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये सब बातें आप जानते हो। अब सपोज कीजिएगा मैंने दो मार्क लगाए, क्या है ये दो मार्किंग, यहां से जीन की इंफॉर्मेशन शुरू होती है और यहां पे जीन की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। अब जीन की सीक्वेंस के लिए कौन यहां पे टेम्पलेट बनेगा, कौन यहां पे कोडिंग बनेगा, ये डिसाइड किस बात पे होता है बेटा जी, इसके जीन जहां से शुरू होते हैं वहां पर, जहां जीन खत्म होता है वहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंस और प्रेजेंट होते हैं। वो क्या सीक्वेंस होती है उनको जरा जानना बेटर है। प्रमोटर, टर्मिनेटर, और ये वाला जो हिस्सा है वो है बेटा यहां पे स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट आप समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड बाय द थ्री कंपोनेंट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड बाय द थ्री कंपोनेंट, दैट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड द टर्मिनेटर। ये तीन कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को बनाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, स्ट्रक्चर जीन इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस। स्ट्रक्चरल जो जीन है, जिस जीन के ऊपर आरएनए बनना है, वो हमेशा प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर सीक्वेंस के बीच में। अब ये क्या होता है उनकी बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं हेडिंग डालता हूं प्रमोटर की। पहला पॉइंट बेटा, दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस that are recognized by the RNA polymerase. दोबारा वर्ड को समझते हैं पहले। RNA polymerase वो एंजाइम है जो DNA के ऊपर RNA बनाने वाला है। RNA polymerase वो एंजाइम है जो DNA के ऊपर RNA बनाने वाला है। अब वो प्रोसेस को कहां से शुरू करे और कहां जाके खत्म करे, तो उसे इस बात को तो पता लगना चाहिए ना। DNA इतना बड़ा है, वो कहां से आरएनए बनाना शुरू करे और कहां पे आरएनए बनाना खत्म करे, तो वो सीक्वेंस बताने वाले वहां पे स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस होती है। तो मैंने कहा आरएनए पॉलीमरेज कहां से प्रोसेस शुरू करेगा, वो जिन सीक्वेंस को पहचान के वहां पे बाइंड होके जहां से प्रोसेस को शुरू करेगा वो सीक्वेंस क्या है बेटा यहाँ पे, प्रमोटर। और जिन सीक्वेंस को पहचान के वो डीएनए से अलग हो जाएगा और प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, वो सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, टर्मिनेटर। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इनके बारे में स्पेसिफिक बातों को जानते हैं, क्या क्या बातें इनके बारे में। तो सबसे पहला वर्ड समझिएगा प्रमोटर। तो मैंने क्या बोला, दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड। पहला पॉइंट मैंने बोला, दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दोबारा बोलता हूं यहां पे, दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस that are recognized by the RNA polymerase and it can bind and initiate the process of the transcription. जहाँ पे वो bind होके process को क्या करेगा, शुरू करेगा, वो sequence क्या है बेटा जी यहाँ पे, promoter sequence है। पहला point हो गया। second point बेटा,
ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं, तो मैं कहूंगा दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द फाइव एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड एंड थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। आंसर आपके सामने है, प्रेजेंट एट द फाइव एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड और थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। तो बताइएगा फाइव एंड कौन सा है, ये है। तो अगर ये फाइव एंड किसके फाइव एंड पे बेटा जी, यहां पे आपके कोडिंग स्टैंड के फाइव एंड, तो मैं कहूंगा ये वाली जो स्टैंड है वो क्या बन गई बेटा जी यहां पे, कोडिंग स्टैंड। एंड प्रेजेंट एट द थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड, तो मैं कहूंगा ये जो एंड है बेटा जी वो क्या है यहां पे, वो स्टैंड क्या है बेटा यहां पे आपकी टेम्पलेट स्टैंड। तो कौन कोडिंग है, कौन यहां पे टेम्पलेट की डिसाइड कौन कर रहा है बेटा जी यहां पे, प्रेजेंस ऑफ द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर सीक्वेंस, कि प्रमोटर कहां प्रेजेंट है टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट है, ये बताए कि कौन यहां कोडिंग है कौन यहां पे टेम्पलेट है बेटा जी। मैंने कहा ये फिफ्थ एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड होता है, थर्ड एंड ऑफ द बेटा टेम्पलेट होता है, उससे मुझे पता लग गया अगर ये फिफ्थ एंड वाला कोडिंग है तो भाई ये हो गया, और थर्ड एंड ऑफ़ टेम्पलेट है मतलब वो इसका थर्ड एंड, तो मैं कहूंगा ये क्या बेटा यहां पे टेम्पलेट स्टैंड है, तो डिसाइड हो गया कौन प्रमोटर कौन बेटा यहां कोडिंग है कौन यहां पे टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, अगले वर्ड करते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट बेटा। अगर सोचिएगा हम अगर ग्राफ को समझे इस तरह से, तो सर यहां से प्रोसेस ये आगे जीन की सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो ये उससे पहले प्रेजेंट है भाई, यहां से स्ट्रक्चर जीन शुरू हो रहा है तो ये तो उससे पहले प्रेजेंट है ना, तो अगर ये पहले है तो मैं कहूंगा ये सीक्वेंस कह रहा है ये बेटा जी अपस्ट्रीम, ये उससे ऊपर प्रेजेंट है, उससे पहले प्रेजेंट, मैं कहूंगा ये प्रेजेंट या प्रमोटर प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू दी स्ट्रक्चर जीन, वो स्ट्रक्चर जिनसे कहां बैठा है बेटा जी आपका यहां पे अपस्ट्रीम बैठा, उससे आगे बैठा है यहां पे बेटा जी, यहां तक की बातें हो गई। चलिए तीन पॉइंट आपने समझे, अब मैं एक अच्छे सा सीक्वेंस आपको समझाता हूं यहां पे, कुछ मैं स्पेसिफिक पॉइंट बोलता हूं यहां पे, वो सीक्वेंस क्या क्या है वो सीक्वेंस बताता हूं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट कंपटीशन के भी आपके लिए जरूरी है बेटा उन सीक्वेंस को जाना, तो सुनिएगा बेटा। पहला पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पहले हम बातें करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो मैंने कहा इन द प्रोकैरियोटिक सेल बिफोर द 10 बेस पेयर सुनेगा बेटा जी, बिफोर 10 बेस पेयर ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब स्ट्रक्चरल जीन जब होता है उससे 10 बेस पेयर पहले, उससे बेटा जी पहले there are the 6 specific sequence, there are 6 specific sequence that are recognized by the RNA polymerase। पूरी लाइन लिखो आप यहां पे, मैं दोबारा बोल रहा हूं यहां पे कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, उसमें मैंने बोला बिफोर द 10 बेस पेयर ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि सिर्फ 10 बेस पेयर पहले, there are the 6 specific sequence that are recognized by the RNA polymerase, that are recognized by the RNA polymerase and RNA polymerase get bind over it and initiate the process of the transcription। मतलब मैं बात ये कर रहा हूं प्रमोटर में वो कौन सी सीक्वेंस है, वो क्या सीक्वेंस है कहां पर जब मैं कहूंगा जहां से जीन शुरू होने वाला उससे वो 10 बेस पेयर पहले बैठी हुई है, और कितने बेस के सीक्वेंस है बेटा जी, क्यों 6 स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्या-क्या सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर की क्या सीक्वेंस है उनका नाम जानेंगे बेटा जी। द सीक्वेंस इज टाटा 80, 6 बेस की ये सीक्वेंस है जो बैठी हुई है बेटा जी जीन के शुरू होने से पहले, कितने बेस पेयर पहले बेटा जी 10 बेस पेयर पहले बैठी है, तो हम बोलते हैं इट इज नोन एज प्रिमनो बॉक्स, इट इज नोन एज प्रिमनो बॉक्स इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। कोई लोकेशन पूछे आपसे इसकी लोकेशन क्या है, मैं कहूंगा इसकी लोकेशन है बेटा जी -10,
अब आप कहोगे सर माइनस वर्ड क्यों यूज किया आपने भाई, बात करो जब आप ऐसा ग्राफ बनाते हो, फिजिक्स में बहुत ग्राफ बनाए बेटा जी आप लोगों ने, तो ये वाले सारे साइड क्या कहलाती है पॉजिटिव और ये वाले सारे साइड क्या कहलाती है नेगेटिव। तो आपने कहा हमेशा जो प्रमोटर होता है ये तो जीन के शुरू होने से पहले बैठा है, तो इसका मतलब इस साइड में अगर बैठा है तो सीक्वेंस क्या कहलाएंगे यहाँ पे नेगेटिव साइड में बैठा है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस तरह की चीजों से बेटा जी कि भाई यहाँ से जीन शुरू हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइड है, यहाँ के जीन से पहले थे नेगेटिव साइड है, हम ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा जहां वो जीन शुरू होता है उससे 10 बेस पे पहले बैठी है, सीक्वेंस की लेंथ कितनी है वो 6 बेस पर की सीक्वेंस है, कितने की बेटा 6 बेस की वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस का नाम क्या है सर, वो नाम है टाटा एटी, टीएटी टाटा एओटी, टाटा एटी इज द सीक्वेंस, ये 6 बेस पर की सीक्वेंस है जो प्रेजेंट बेटा इज -10th पोजीशन। तो हमने इन सीक्वेंस का नाम क्या रखा बेटा जी, प्रिमनोव बॉक्स, क्यों रखा है ना सेंटेंस के नाम पे बेटा जी, नाम है यहां पे प्रिमनोव बॉक्स, बट इट इज यूज्ड ओनली इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने यूकेरियोटिक सेल की बात नहीं की, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल की बात की है, पॉइंट को याद रखना बेटा जी। अगले पॉइंट पे आ जाओ, बट इन द केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल अगर बेटा जी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक सेल की, किसकी बात करें बेटा यूकेरियोटिक सेल की, तो मैं कहूंगा दे आर प्रेजेंट एट -20, मतलब लाइन को आप दोहरा सकते हो, देयर आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 7 बेस पेयर दैट इज प्रेजेंट 20 बेस पेयर बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, लिखने की जरूरत नहीं मुझे, आप सुनिएगा अच्छे से क्या बोला मैंने यहाँ पे, देयर आर द 7 बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट 20 बेस पेयर बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, मतलब यहां से सर ये जीन शुरू हो रहा है, इससे पहले है, कितना पहले है 20 बेस पेयर पहले, तो आपने वहां प्रोकैरियोटिक सेल में कहा था -10, तो मैं यहां क्या बोल दूं -20, आसान सी बात है, पर यहां पे वो 6 बेस पेयर की नहीं 7 बेस पेयर की है। सीक्वेंस क्या है वो सीक्वेंस की बात करते हैं, वो सीक्वेंस है बेटा जी टाटा टी ए टी, वहां पे क्या था 6 बेस पेयर थे वहां पे खाली 80 था, अब मैंने एक नया वर्ड जोड़ दिया बेटा जी टी, ये सीक्वेंस बैठी हुई है एट -20 बेस पेयर एट -20 पोजीशन इन द यूकेरियोटिक सेल बेटा जी, इसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स, क्योंकि यहां टी ए टी करके सीक्वेंस हमने उसका नाम रखा है यहां पे टाटा बॉक्स, या इसका नाम है हॉगनेस बॉक्स, ये सेंटेंस के नाम पे, तो कोई टाटा बॉक्स कह दे, कोई प्रमोटर सीक्वेंस कह दे, कोई बेटा यहाँ पे हॉगनेस बॉक्स कह दे, कोई यहाँ पे प्रिमो बॉक्स कह दे, तो क्या है ये सीक्वेंस, तब कहोगे दीज आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड द एंजाइम गेट बाइंड देयर इट ओवर इट एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांस क्रिप्शन, जहां एंजाइम बाइंड होता है प्रोसेस को शुरू करता है, ये सीक्वेंस क्या है बेटा प्रमोटर सीक्वेंस है। मैंने सीक्वेंस आपको बताया कहां कहां प्रेजेंट होती है, किस लोकेशन पे होते सीक्वेंस क्या क्या होती है, वो मैंने आपको यहां बताया, यूकेरियोटिक सेल में अलग है प्रोकैरियोटिक सेल में अलग है। और एक अच्छी सी बात आपको बताता हूं, यूकेरियोटिक सेल में दो सीक्वेंस है, या तो सीक्वेंस ये है या एक सीक्वेंस और भी है बेटा जो, वो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, या तो सॉरी यूकेरियोटिक सेल में प्रमोटर सीक्वेंस में या तो ये सीक्वेंस बैठे या फिर ये सीक्वेंस बैठी है, दोनों में से कोई एक सीक्वेंस बैठी होगी जिन्हें एंजाइम पहचानेगा कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, वो यहां आके बाइंड हो जाएगा ताकि वो प्रोसेस कर सके शुरू, किसका बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन का। इन सीक्वेंस को बोलते हैं टाटा बॉक्स, या इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स इन द केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, बट दे आर नोन एज प्रिमनोव बॉक्स इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। साइज को समझना, प्रोकैरियोटिक सेल में ये 6 बेस पेयर की बनी है और लोकेशन होती है -10,
जबकि यूकेरियोटिक सेल में ये बनी होती 7 बेस पेयर की और उसकी लोकेशन होती बेटा जी -20 पॉइंट टू बी नॉटेड, दोनों केस में पोजीशन अलग अलग है। समझ में आई बातें? चलिएगा अब अगला पॉइंट क्या समझते हैं। स्ट्रक्चर जिनके बारे में पढ़ चुके हो, इसके दो एंड एक का नाम क्या अकॉर्डिंग एक का नाम के टेम्परेचर, ये बातें कर चुके हो, इसकी बातें फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं आपके साथ में। फिलहाल आप अगला टॉपिक शुरू करते हो, कॉम्प्लिकेटेड है टर्मिनेटर। तो क्या कहोगे बेटा जिनके बारे में, दीज आर द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए polymerase enzyme to terminate the process of the transcription. These are the specific DNA sequences that are recognized by the RNA polymerase to terminate the process of the transcription. वो क्या बेटा यहाँ पे terminator की sequence है। अब मैं point पूछ रहा हूँ आपसे, ये present कहाँ होती है, इनकी location बताओ, इनकी location बताओ। अब क्या कहोगे, present at third end of कोडिंग स्टेट एंड 5 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टेट। इनकी लोकेशन जानिएगा, ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई इसकी यहां पे, अब इसकी लोकेशन जानिएगा। परजेंट कहता था प्रोफेसर थर्ड एंड ऑफ द कोडिंग स्टेट एंड द 5 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टेट पे, सर ये परजेंट है। ठीक बात है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी। क्या होगा यहां पे, मैं कहूंगा इनके बारे में, दे आर प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चर जी। अरे भाई अभी आपने बात देखी ग्राफ के लिए, अगर वो इस साइड में है तो वो अपस्ट्रीम कहला रही है, वो नीचे की साइड में तो मैं कहूंगा क्या कहलाएंगी, डाउनस्ट्रीम कहलाएंगी। तो याद रखना बेटा जी, टर्मिनेटर सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम पे है तो प्रमोटर सीक्वेंस अपस्ट्रीम पे है। वहां पे मैंने स्पेसिफिक आपको सीक्वेंस भी बता दी। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट समझना है बेटा जी, जो पॉइंट मैंने यहां समझाया है उसी को आप एक और तरीके से समझाता। जो लाइन बोल रहा हूं उसका और अच्छे समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे, देखो मैंने क्या कर दिया। डीएनए 5 डैश टू 3 डैश, यहां भी है 5 डैश टू 3 डैश, सर नीचे वाली 3 डैश टू 5 डैश, यहां भी है बेटा 3 डैश टू 5 डैश, पर मैंने लोकेशन बदल दी। किसकी बेटा जी, मैंने टर्मिनेटर को उठा के यहां रख दिया, प्रमोटर को उठा के मैंने ये रख दिया। देखिएगा, इफ द पोजीशन ऑफ द टर्मिनेटर एंड प्रमोटर गेट चेंज देन व्हाट विल हैपन। अगर टर्मिनेटर की और प्रमोटर की पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा, अगर टर्मिनेटर के प्रमोटर की पोजीशन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, आप सोचिएगा। आपने हैवी डेफिनेशन में कहा था प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड एंड 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड। तो मैं कहूंगा बेटा जी, अब ये स्टैंड है कोडिंग स्टैंड और बेटा ये एंड है टेम्पलेट स्टैंड। तो याद रखना इस बात को, इफ द पोजीशन ऑफ द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर गेट इंटरचेंज देन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड आल्सो गेट इंटरचेंज। मैं बार बार एक बात समझा रहा हूं आपको यहां पे, कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग स्टैंड ये डिसाइड ही कौन करता है, पोजीशन ऑफ द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। अगर आपने उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो मैं कहूंगा इन दोनों स्टैंड की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। जो पहले कोडिंग थी अब वो टेम्पलेट बन जाएगी, जो टेम्पलेट है वो कोडिंग। तो मैं कहूंगा ये कौन सी स्टैंड क्या है, ये डिसाइड कौन करता है बेटा यहाँ पे, द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। तो आपको इनके बारे में हमेशा याद रखना, प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड एंड द 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड। वो सीक्वेंस क्या, वो बातें मैंने आपको समझा दी बेटा जी। ये वो सीक्वेंस है जिन्हें आरएनए पॉलीमरेज पहचानता और बाइंड करके वहां पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। ये वो सीक्वेंस है जिन्हें पहचानता है
और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है, खत्म करने का काम करता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। इन तीनों को मिला के जो यूनिट बनी हमने उसका नाम कर रखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो पेपर में आ जाएगी एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिस्क्राइब बाय द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट, दैट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड द टर्मिनेटर। तो आप इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, इसके बारे में भी डिफाइन करो। स्ट्रक्चर जीन हैव द टू स्ट्रैंड, वन इज कोडिंग एंड वन इज टेम्पलेट, इनके बारे में लिखेगा यहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब एक और वर्ड आपको समझाता हूं जो आपको समझना है, जो आपको समझना है उस वर्ड को समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो। मैंने बेटा यहां पे वर्ड लिखा सिस्ट्रोन। अब डेफिनेशन लिखना सिस्ट्रोन की, इसी में आप समझ में आएगा बातें। स्ट्रक्चर जीन में हम डालेंगे इसके बारे में बातें यहां पे। सिस्ट्रोन क्या होता है? मैं कहूंगा इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। वर्ड को सुन वाली देता हूं यहां पे, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉइंट को समझना, हमने कहा सिस्ट्रोन क्या होता है? ये डीएनए के कुछ सेगमेंट का नाम है जो आगे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगी। मैंने प्रोटीन नहीं बोला, मैंने बोला पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगी, एक लंबी चेन ऑफ अमीनो एसिड को बनाएगी। मैं कहूंगा ऐसा एक जो डीएनए की सेगमेंट है वो क्या कहलाएगी बेटा जी? यहां पे आपका एक सिस्ट्रोन कहलाएगा। अब जरा वर्ड को समझना बेटा जी, मैं ये कह रहा हूं स्ट्रक्चरल जीन इज ऑफ टू टाइप। स्ट्रक्चरल जीन इज ऑफ टू टाइप, मैंने एक नाम लिखा बेटा जी मोनोसिस्ट्रोनिक, और मैंने नाम लिखा बेटा जी पॉली वर्ड क्या यूज किया उसको समझो यहां पे जरा। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, वर्ड को समझो। मैंने सिस्ट्रोन वर्ड ऊपर लिख दिया आपको यहां पे। ये डीएनए की उस सेगमेंट को कहते हैं जब अगर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाए। तो जरा समझो, मैं कहूंगा इस स्ट्रक्चरल जीन में इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की, तो वो जीन क्या कहलाएगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। मैंने कहा बट नहीं, इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की, तो मैं कहूंगा यही जीन क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इन द केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बातें करते हैं, हमारे केस में जो भी जीन होते हैं दे आर ऑलवेज मोनोसिस्टोनिक। एग्जाम्पल यूकेरियोटिक, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक। समझो जरा वर्ड को, हमारे केस में जो भी हमारा ये जो स्ट्रक्चर जीन होता है ये सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड करता है। तो मैं कहूंगा हमारे केस में जब भी जीन जो बनता है वो जीन हमेशा कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक होता है। अगला मैंने वर्ड बोला इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो स्ट्रक्चर जीन, इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है एक नहीं मोर देन वन टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए होते हैं। तो मैं कहूंगा इस केस में क्या कहलाएगी? पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगी। भाई इस जीन के पास कितनी चेन को बनाने की इंफॉर्मेशन है, मतलब वर्ड को ये समझा रहा हूं, एक प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो जीन बैठा है वो जीन क्या है बेटा? स्ट्रक्चर जीन। वर्ड को समझना अच्छे से बेटा जी, एक प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो डीएनए की सीक्वेंस है वो कहलाते हैं बेटा जी यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन। अब जरा सोचो वर्ड को, जरा वर्ड को सोचो अच्छे से। सर आरएनए पॉलीमरेज आता है और वो यहाँ आके बाइंड हो जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो मैं कहूंगा यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और उस आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, उस आरएनए के पास में इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही बात, आरएनए के पास में इंफॉर्मेशन है। सर अब वो आरएनए जब आगे एक्सप्रेस होगा, जब वो जाएगा हमारे राइबोसोम के पास में, तो राइबोसोम एक्सप्रेस करेगा उसे और राइबोसोम वहां पे उस पे एक प्रोटीन को बनाने का काम करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनेगा। देखो वर्ड क्या बोल रहा हूं, पॉलीपेप्टाइड चेन। वर्ड को जरा समझिएगा, जब अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में बॉन्ड क्या बनता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने कहा पॉलीपेप्टाइड मतलब ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट आर लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड।
मैंने वर्ड बोला बेटा, पॉलीपेप्टाइड ए लॉन्ग चेन ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर लिंक विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने कहा जब वो mRNA जाएगा राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम वहां पे क्या करेगा, tRNA उसे लाल अमीनो एसिड देगा, वो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और एक लंबी चेन बनाएगा। तो वो कितनी चेन बनाएगा उस RNA से, एक चेन बनाएगा या एक से ज्यादा चेन बनाएगा? अगर एक ही चेन बना तो उसके पास इंफॉर्मेशन है किसी एक ही चेन की, तो मैं कहूंगा इसका मतलब इस जीन के पास इंफॉर्मेशन किसी एक ही चेन की थी, जब तो सारे ने एक ही तो बनाया, तो मैं कहूंगा वो कैसा है, मोनोसिस्टोनिक है? नहीं नहीं, उसने एक नहीं एक से ज्यादा चेन को बनाया, मैं कहूंगा इन दैट केस वो क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, हमारे केस में हर एक प्रॉपर चेन के अपने खुद का बेटा प्रमोटर और टर्मिनेटर होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चेन एक्सप्रेस होती है, याद रखना इस बात को, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है बेटा जी, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी और एग्जांपल आता है, मोनोसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो किसमें बेटा जी, यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक यूकेरियोटिक में, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहाँ पे होते हैं, द केस ऑफ द प्रोकेरियोटिक सेल, ये बातें याद रखनी है। एक और अच्छा वर्ड समझाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन इज फादर ऑफ टू टाइप, वो क्या टाइप है, स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन। एक और अच्छा पॉइंट है बेटा जी, स्प्लिट जीन और नॉन स्प्लिट जीन, इस वर्ड को समझो, स्प्लिट, स्प्लिट जीन जो काटना पड़ेगा, जिसकी स्पेलसिंग होगी, स्प्लिट करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट टूट जाना, स्प्लिट करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसा जीन क्या है बेटा जी, यहाँ पे स्प्लिट जीन, जिस जीन को ना तोड़ना पड़े, जिसकी स्प्लिटिंग ना करनी पड़े, वो क्या है बेटा यहाँ पे, नॉन स्प्लिट जीन। वर्ड को समझो, यहाँ पे इस स्ट्रक्चरल जीन के पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है बेटा, एक को हम बोलते हैं इंट्रॉन, एक को बोलते हैं बेटा एक्सॉन, एक सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा जब इंट्रॉन, एक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सॉन, जरा वर्ड को समझना, मैंने बोला इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस, जरा वर्ड को समझ के देखते हैं अच्छे से। सर यहां पे जीन एक्सप्रेस होता है और एक आरएनए बन जाता है, सर ये आरएनए 5-2-3 आरएनए, मैं कहूंगा भाई इस आरएनए में यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ऐसी सीक्वेंस बैठी है जो मुझे प्रोटीन को बनाने के लिए नहीं चाहिए। ये आरएनए जिस प्रोटीन को बनाने के लिए, इसके पास इंफॉर्मेशन है मुझे उस प्रोटीन को बनाने के लिए, ये जो तीन सीक्वेंस है ये नहीं चाहिए। अगर ये तीन सीक्वेंस बैठी रहेगी तो जो प्रोटीन बनेगा वो डिफेक्टिव बनेगा। मेरे वर्ड को सुनते रहना, बहुत गंभीर पॉइंट है, कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनना मेरे वर्ड को, क्योंकि सुनना ही जरूरी है बेटा यहाँ पे, सुनना मेरे वर्ड को अच्छे से। मैंने कहा भाई ये हमारा इस जीन के ऊपर आरएनए बन गया, आरएनए का साइड है 5-3 हमारा आरएनए बनकर तैयार हो गया, पर इस आरएनए के पास, अब एक वर्ड को समझो, इस जीन में दो तरह की सीक्वेंस थी, इंट्रॉन और एक्सॉन। अब उस वर्ड को समझ कर देखो मैं क्या समझा रहा हूं, कि भाई इस डीएनए, इस एमआरएनए में दो तरह की, तीन तरह आपके इस आरएनए में तीन ऐसी सीक्वेंस है जो मुझे नहीं चाहिए, किसके लिए बेटा जी, यहां पे उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए, मुझे इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाना, उस प्रोटीन को बनाने के लिए मुझे तीन सीक्वेंस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं चंचल, क्या करूं मैं, क्या करूं बेटा मैं, यहां पे तीन सीक्वेंस नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करोगे, सर ऐसा करो इस एमआरएनए को काटो, इस एमआरएनए को काटो, काट देते हैं। मैंने इस एमआरएनए को यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा और यहां से काटा, इस एमआरएनए के क्या कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने फिर क्या किया, इस टुकड़े को लिया, इस टुकड़े को लिया, इस टुकड़े को लिया और इस टुकड़े को लिया, मैंने इनको जोड़ दिया आपस में। अब ये जो mRNA है बेटा जी, ये है मेरा फंक्शनल mRNA और ये जाके बनाएगा प्रोटीन। मैं कहूंगा ये जाएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम बनाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन। वर्ड को समझो जरा एक बात,
मैंने कहा भाई जो यहां पे आरएनए बना था वो तो ये बना था, बट इस आरएनए के अंदर एक दो ये तीन ऐसी सीक्वेंस बैठी थी जो मुझे उस प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए ही नहीं। अब सर ये सीक्वेंस अगर आपको नहीं चाहिए उस प्रोटीन को बनाने के लिए, पर अब एमआरएनए तो बन गया तो क्या करें। मैं कहूंगा भाई इस आरएनए में दो तरह के सीक्वेंस है। किस तरह के दो सीक्वेंस है? एक तो वो सीक्वेंस है जो मुझे चाहिए प्रोटीन को बनाने के लिए, तो मैं कहूंगा जो सीक्वेंस मुझे चाहिए वो सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कहलाएंगे एक्सोन। जो सीक्वेंस नहीं चाहिए मुझे मैं कहूंगा वो क्या है, यहाँ पे इंट्रोन है, तो मैं कहूंगा ये क्या है, यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जो मुझे नहीं चाहिए उस प्रोटीन को बनाने के लिए वो क्या बेटा, यहाँ पे इंट्रोन। तो मैं कहूंगा एक्चुअली इस आरएनए के पास दो तरह के सीक्वेंस है, कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग। तो मैं कहूंगा बेटा ये जो आरएनए यहाँ पे वो कहलाएगा एचएनआरएनए। फुल फॉर्म को समझिएगा, हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। आई होप काफी बच्चों के समझ में आ गया होगा वर्ड। होमो वर्ड का क्या मतलब होता है? सेम। हिट्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। मैं कहूंगा एक ऐसा आरएनए जो न्यूक्लियस में बना और जिसके पास टू डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस है, टू डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस है। कैसे डिफरेंट टाइप की? कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। मैं कहूंगा ऐसा आरएनए क्या है बेटा यहां पे आपका एचएनआरएनए। जब एचएनआरएनए को हमने काटा तो मैं कहूंगा यहां पे सुनिएगा वर्ड को, मैंने एचएनआरएनए को काटा तो मैं कहूंगा यहां पे प्रोसेस मैंने क्या बेटा जी, स्पाइसिंग का, मैंने कटिंग का प्रोसेस किया, तब जाके मेरा बना बेटा जी क्या है यहां पे एमआरएनए। वर्ड को समझते रहो, छोटा छोटा वर्ड है बेटा जी यहाँ पे। इसे इस जीन के पास एक्चुअली दो तरह की इंफॉर्मेशन थी, एक्सोन एज वेल एज इंट्रॉन। बट मुझे तो प्रोटीन बनाने के लिए खाली क्या चाहिए, एक्सोन चाहिए। पर भाई यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे एक आरएनए बनेगा, उस आरएनए में दोनों इंफॉर्मेशन आएगी, जो कोडिंग वाले भी होंगे कौन से यहाँ पे नॉन कोडिंग वाले भी होंगे, बिल्कुल आ गए मेरे पास। पर मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस आरएनए की कटिंग करके सिर्फ कोडिंग पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में ये जीन ऐसा है जो दो तरह के सीक्वेंस रखता है और मुझे एक फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए मुझे कटिंग करनी पड़ती है। तो मैं कहूंगा ऐसा अगर कोई जीन है जिसमें दो तरह के सीक्वेंस होती है और मुझे एक फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए ये स्पाइसिंग करना पड़े, तो ऐसा जीन कहलाएगा बेटा जी यहां पे स्प्लिट जीन। बट अगर कोई जीन ऐसा है जिसमें इंट्रोन अब्सेंट है, जिसमें इंट्रोन है ही नहीं, उसमें खाली एक्सोन की सीक्वेंस है, और खाली अगर एक्सोन की सीक्वेंस है तो मैं कहूंगा इसका मतलब मुझे वहां पे कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा वो जीन कहलाएगा बेटा जी यहां पे नॉन स्प्लिट जीन। पॉइंट पकड़ में आ गया? अगर कोई जीन ऐसा जिसके पास दो तरह के सीक्वेंस है, इंट्रोन और एक्सोन। इंट्रोन क्या है? ये वो सीक्वेंस है जो मुझे प्रोटीन को बनाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए नहीं चाहिए, ये सीक्वेंस गलत है वहां पे, ये मुझे काटनी पड़ेगी। तो अगर मैं काट के उस एमआरएनए को बनाऊंगा तो ये कहलाएगा मेरा यहां पे स्प्लिट जीन। नहीं सर, ऐसा कोई सीक्वेंस है ही नहीं, सारी की सारी वो सीक्वेंस है जो मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। मैं कहूंगा फिर तो उस जीन में अगर ऐसी सीक्वेंस नहीं है तो वो जीन कैसा है बेटा जी यहां पे नॉन स्प्लिट जीन। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप कहोगे सर ये जीन किन में होता है, ये जीन किन में होता है, तो ये भी पॉइंट समझना है बेटा जी आपको। इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसमें जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो जीन होते हैं वो कौन से होते हैं, स्प्लिट जीन। तो क्वेश्चन रिक्वेस्ट करें, इंट्रोन इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इंट्रोन किसमें प्रेजेंट है? जहां स्प्लिट जीन है वहां इंट्रोन है, और इंट्रोन अगर स्प्लिट जीन में है तो इसका मतलब वो आपका यूकैरियोटिक सेल में इंट्रोन प्रेजेंट है, और इंट्रोन कहां अब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है। इस बात से कौन समझ सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं साइज ऑफ द डीएनए किसका बड़ा है, साइज ऑफ द डीएनए किसका बड़ा है, साइज ऑफ द डीएनए किसका बड़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल का, किस सेल का साइज ऑफ द डीएनए बड़ा है? वीडियो देखो और आंसर को ढूंढो और आंसर मुझे मैसेज करो। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज लार्ज इन साइज और यूकैरियोटिक डीएनए इज लार्ज इन साइज, कौन सा डीएनए बड़ा होगा साइज में?
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये आपके सामने इन पॉइंट्स को सोचो अच्छे से और मुझे मैसेज करो कि सर हमारे हिसाब से ये होगा। अगले वीडियो में मैं आपको आंसर बताऊंगा फिर इसका आंसर क्या होगा, बट उससे पहले आप मुझे आंसर मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। आज की क्लास यही रोकते हैं, थैंक यू।